लोगों के बीच संपर्क और गहरा करने के लिए भारत की अध्यक्षता में नई पहलें ली गई हैं। पहली बार SCO मिलेट फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, SCO सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज का आयोजन किया गया। SCO की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी इटर्नल सिटी वाराणसी अलग अलग कार्यक्रमों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। SCO देशों के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सार्थक करने के लिए हमने यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव, यंग रेसिडेंट स्कॉलर्स प्रोग्राम, स्टार्टअप फोरम, यूथ काउंसिल जैसे नए फोरम्स का आयोजन किया। एक्सलेंसी, वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विवादों, तनावों और महामारी से घिरे विश्व में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर क्राइसिस सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है, क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, क्या SCO एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इस विषय में भारत SCO में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करता है।